अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में हूँ अदनान। और पाकिस्तान सुपर लीग में ड्राफ्ट पिक्स हो रही हैं और प्लेटिनियम कैटेगरी में बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। बड़ी फ्रेंचाइजेस ने बड़े खिलाड़ियों को लिया, कुछ टीमों ने अपने पुराने प्लेयर्स को वापस लिया है और कुछ टीमों ने नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो पूरी अपडेट है, बताऊँगा कौन कौन से खिलाड़ी पिक हुए हैं, कौन कौन सी टीम में गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि जो वीडियोज़ आने वाले दिन में अपलोड करूँ वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच। तो सबसे पहले कराची किंग्स की बात करेंगे। कराची किंग्स ने जो है वो मैथ्यू वेड को अपनी पहली बारी पर लिया और उन्होंने अपने राउंड टू की दूसरी पिक में जो है उन्होंने अपना इमरान ताहिर जो है उनको अपने स्क्वाड में शामिल किया। तो विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी उन्होंने सॉल्व किया और मैथ्यू वेड आपको ओपन भी करके दे सकते हैं, नीचे आकर भी खेल कर दे सकते हैं। तो वो उनका मसला सॉल्व हुआ और मैथ्यू वेड उनकी टीम में गए। दूसरा लेग स्पिनर चाहिए था उन्हें और लेग स्पिनर इमरान ताहिर की सूरत में उनके पास गया है जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर था। बहुत ही ज़बरदस्त पिक जो है एक और कराची किंग्स ने की। उसके बाद लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर ने जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि फ़खर जमान की जानिब जाएंगे और फ़खर जमान को उन्होंने वापस लिया है और फ़खर जमान उनके स्क्वाड के अंदर मौजूद हो गए। पेशावर सलमी की अगर बात करें तो जिन प्लेयर्स को हमने कहा था कि ये टारगेट करेंगे उन्हीं प्लेयर्स की तरफ ये गए हैं। बनुका राजापक्सा के हवाले से हमने वीडियो भी बनाई थी कि उनको टारगेट करेंगे और टारगेट किया भी उन्हें और बनुका राजापक्सा जो है वो पेशावर ज़ाल्मी की पहली पिक बने और दूसरी पिक पेशावर ज़ाल्मी की जो थी वो रऊफ़मंद पावल जो थे वेस्ट इंडीज़ के पावर हीटर वो इनके रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त पिक ये भी रही मुल्तान सुल्तान ने। हमने ये भी आपको बताया था कि वो भी टारगेट करेंगे डेविड मिलर को और उन्होंने डेविड मिलर को टारगेट किया और डेविड मिलर को लिया। इससे पहले उन्होंने नसीम शाह को टारगेट किया था और यह चीज भी हमने बताई थी कि उसके ऊपर वो वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे और वाइल्ड कार्ड के बाद आरटीएम कोटा ग्लैडिएटर करेगी और वो भी यहां पर हमारी प्रेडिक्शन ठीक हुई और हमारी इनसाइड न्यूज जो है आप तक जो हमने पहुंचाई थी वो ठीक हुई। उसके बाद जोश लिटल के ऊपर वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल किया मुल्तान सुल्तान ने और जोश लिटल जो है वो हमें नजर आए हैं अब जनाब मुल्तान सुल्तान के अंदर जो कि आयरलैंड के बॉलर हैं और बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं वो यहां पर मौजूद होंगे। उसके बाद कोटा ग्लैडिएटर ने वनिंदु हसरंगा को लिया, मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड था। हमने टारगेट प्लेयर्स की वीडियोस इनकी भी बनाई थी और आपको बताया था कि ये इसके ऊपर जाएंगे और इन्होंने इसको लिया और नसीम शाह दूसरी पिक पर जाएंगे वो भी यहां पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो टारगेट प्लेयर्स थे उन्होंने उनको टारगेट नहीं किया, इन्होंने अपने पुराने प्लेयर्स को वापस लेने की कोशिश किया जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एलेक्स हेज़ और रहमानुल्लाह गुरबाज को जो है अपने स्क्वाड में शामिल किया। तो ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जो कि प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक हुए हैं और ये अब सारे इस अपनी अपनी टीमों के लिए खेलते हुए नजर आएंगे इस साल के पाकिस्तान सुपर लीग के 8 के एडिशन में। तो बहुत ही ज़बरदस्त पीएसएल होने वाला है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर होने वाला है क्योंकि आप नया हैशटैग आ चुका है, सोच है आपकी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।